तो फ्रेंड्स, बिहार के पढ़े लिखे युवाओं के लिए सभी प्रखंडों में आई सुनहरा अवसर, तो जल्दी आवेदन कर लो। तो क्या है इसके लेकर आपको बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग के तहत यहाँ पे न्यूज और नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है, जिसका आपका ऑनलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये पंचायती राज विभाग के तहत यहाँ पर निकाली गई है, जो कि ये बिहार के सभी ज़िलों में है, जो कि आपको प्रत्येक प्रखंड में ये है, एक एक लोगों को यहाँ पे रोजगार करने का अवसर। तो क्या है पूरे मामला यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि सही समय पर सही जानकारी न मिलने के कारण यहाँ पे कई सारे अवसर हाथ से छूट जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं आपको बताने वाला हूँ इसी को बारे में, जो कि यहाँ पे प्रकाशित की गई है। तो चलिए आपको वेबसाइट भी बताऊँगा और भी चीज़ आपको इसमें बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहिए। यदि आप पढ़े लिखे हैं और आप बिहार से हैं तो आप इसको देखते रहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो है बिहार के यहां पे सभी ज़िलों के लिए है, यहां पे बताया गया है, जो कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के तहत ये निकाली गई है, जो कि हर घर नल का जल के तहत यहाँ पर जो है योजना, उसके योजना के तहत अपने प्रखंडों में रहकर आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो क्या है, आप सरकार के अंदर में आप काम कर सकते हो, क्या है पूरे बात वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत पेयजल योजनाओं को लघु मरम्मती हेतु यहाँ पे दोस्तों की प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी की चयन प्रक्रिया हेतु सूचना। तो यहाँ पे बताया गया है कि तो यहाँ पे जो हो गया, आपने यहाँ पे एजेंसी ले सकते हैं यहाँ पे अपने प्रखंड लेवल का, जो कि अच्छा खासा आप यहाँ पे इनकम कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दोस्तों की प्रखंड स्तर पर है, जो कि पंचायती राज विभाग के तहत यहाँ पे निकाली गई है, जो कि आप सभी ज़िलों में हैं। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है यदि आप पढ़े लिखे हैं। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं के लघु मरम्मती का कार्य प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी के माध्यम से संबंधित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा कराया जाएगा। आपको बता दें कि प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी के माध्यम से जलापूर्ति योजनाओं को मरम्मती हेतु, जैसे कि जो आपको पता ही होगा कि बिहार के जो पंचायत है उन सभी पंचायत वार्डों में यहाँ पे जो हो गया नल वगैरह सब यहाँ पे लगाया गया है, तो उसी को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि जलापूर्ति यानी कि जल को पूर्ति वगैरह करने के लिए और मरम्मती का कार्य करने के लिए यहाँ पर आपको एजेंसी के लिए यहाँ पर निकाला गया है, जो कि यहाँ बताया गया है कि मोटर मरम्मती जो हो गया, स्टार्टर मरम्मती, नए स्टार्टनर का जो हो गया अधिष्ठापन, और आपको यहाँ पर बताया गया है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर की मरम्मती, बोरिंग जो हो गया, चैम्बर की मरम्मती, और भी यहाँ पर बताया गया है रेसिंग डिलीवरी मैन का जो हो गया रेस्टोरेशन, और यहाँ पे जल वितरण प्रणाली की जो हो गया लीकेज मरम्मती, और यहाँ पर बताया गया है कि 100 से कम क्षतिग्रस्त पाइप लाइन प्रणाली का पुनर्व्यवस्थापन, और यहाँ बताया गया है कि बल्ब मरम्मती और बल्ब यहाँ पे चैम्बर मरम्मती, फेरूल मरम्मती, नया अधिष्ठापन कार्य, पानी की टंकी की मरम्मती जो हो गया स्टील आरसीसी स्ट्रक्चर की मरम्मती इत्यादि कार्य यहाँ पे कराया जा सकेगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे अब एजेंसी ले सकते हैं, जो कि प्रखंड स्तरीय जो गया अनुरक्षण एजेंसी द्वारा जो गया इसका मरम्मती हेतु कौशल मानव बल या प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन फिटर वेल्डर, और यहाँ बताया गया है कि मैकेनिक स्किल मेसन हेल्पर की सेवा मरम्मती हेतु सामग्री एवं परिवहन व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा। तो ये सारे आपको कार्य करना पड़ेगा यदि आप एजेंसी लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति से सूचना प्राप्त होने पर प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी त्वरित संज्ञान लेते हुए कुशल मानव बल को मरम्मती सामग्री एवं टूल किट सहित योजना स्तर पर भेजकर जो हो गया इसमें आपको यथाशीघ्र त्रुटियों को समाधान करना होगा। तो आप एजेंसी लेते तो आप अपना अपना स्टाफ को रख सकते हो वहाँ पे मरम्मती करने के लिए, आप उसमें वहाँ पर उसको भेज सकते हो, आप वहाँ पर कार्य करा सकते हो। तो यहाँ पर जो एजेंसी के लिए यहाँ पर निकली है यहाँ पर, तो यहाँ पर बताया गया है कि कार्य संपन्न होने के उपरांत यहाँ पर बताया गया कि प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी निकटवर्ती न्यूनतम 3 गृह स्वामी एवं तकनीकी सहायक से कार्य संतुष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे
एवं अपने लेटर हेड पर प्रचलित बाजार दर पर यहाँ पे विपत्र प्रमाणक के साथ संबंधित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के प्रस्तुत करेंगे। आपको बता दें कि वार्ड क्रियान्वयन एवं जो हो गया प्रबंधन समिति द्वारा प्राप्त विपत्र एवं भाउचर से संकलित कर प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी के उनके इनके खाते में भुगतान किया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इसको लेकर जो हो गया इसमें क्या क्या इसमें जो हो गया कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं इसमें वगैरह यहाँ पे बताया गया कि प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी की चयन की प्रक्रिया। तो इच्छुक व्यक्ति संस्थान यानी कि आप व्यक्ति किसी भी व्यक्ति है संस्थान है प्रतिष्ठान द्वारा इस वेबसाइट पर ये वेबसाइट है कि होम पेज पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन कर ऑनलाइन हेतु रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। और यहाँ पे बताया गया कि आवेदक को प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी के रूप में संबंधित होने हेतु पोर्टल पर निम्नलिखित जानकारी पुष्ट करना अनिवार्य होगा। वैसे मैं इससे पहले भी वीडियो बनाया था अनुरक्षण के लिए तो इसमें वेबसाइट काम कर रहा था, अभी फिलहाल इसका काम नहीं कर रहा है। हो सकता है इसके ज़्यादा इसमें भी लोड होगा तो एक दो दिन के बाद हो सकता है यहाँ पे फिर काम करने लगेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिला एवं प्रखंड का नाम जिसमें जिसके लिए आप आवेदन किया जा रहा है और प्रतिष्ठान संस्था आवेदन का नाम पता जलापूर्ति कार्य अनुभव मानव बल की संख्या उन कितने लोग हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पहचान पत्र विवरण तथा आधार कार्ड पैन कार्ड जीएसटी नंबर वहाँ पे जो पिछले वीडियो में आपको उसमें बताया था तो उसमें बताया था कि जीएसटी इन क्या है तो इसमें जीएसटी नंबर यहाँ बताया गया है। और बैंक प्रमाण पत्र था बैंक का नाम खाता आईएफसी कोड मानव बल का विवरण तथा नाम कुशलता एवं पता यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारे यहाँ पे और भी चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि आवेदकों में से पात्र एजेंसी का चयन जिला स्तर पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजात एवं सत्कार के माध्यम से संयुक्त रूप से किया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है दिनांक 31/7/2021 तक आवेदित मामलों में यहाँ पे प्रथम चरण में सूचीबद्ध किया जाएगा। यहाँ पे ये डेट बताया गया है और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। अधिक जानकारी एवं संबंधित शिकायत निष्पादन हेतु संपर्क करें तो ये यहाँ पे मोबाइल नंबर ही वगैरह यहाँ पे दिया गया है। कोई भी आपको क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप कोई त्रुटि है तो यहाँ पे आप वहाँ से सलाह ले सकते हैं। और ये रहा आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे में आपको जो हो गया रोजगार से जॉब से रिलेटेड पर्पल लिखा लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल। और बिहार से है आप तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।